नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन। तो आज की जो हम टॉपिक पे कवर करेंगे, हम इसी पे चर्चा करेंगे। जो आपको ये दिख रहा है, ये असलियत में किसी फोटो खींची हुई वो नहीं है, ये है स्ट्रीट व्यू। स्ट्रीट व्यू एक फीचर है जो गूगल मैप में है और बहुत से लोगों को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं था, ये कुछ दिन ही पहले हमें पता पड़ा इसके बारे में। तो आपको हम इसके बारे में आज पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको फोन से बताएंगे, फिर आपको हम एक सिस्टम की स्कीम से बताएंगे। तो सबसे पहले आप अभी, जैसा कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरे साइड में आप देख पा रहे होंगे एक फोन की स्क्रीन चल गई है। ठीक है, आप इसमें तो आप देखते ही रहिएगा। देखो, अब आपको इसमें थोड़ा सा दिखा दें, ये देखो, ये पूरा मतलब 360 डिग्री भी यहाँ का ये दिख रहा है। ये किसी एक जगह का व्यू नहीं है 360 डिग्री, ये आप पूरे यूं कहें तो जहां भी आप जाओगे वहां, ये वहां का आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। देखो, पूरा देख सकते हो, बाकायदा आपको सबको दिख रहा होगा, है ना। अब आपको देखो, सेम टू सेम आपको फोन में भी दिख रहा है, सेम ये वाला भी। देखो, ये टेम्पू खड़ा हुआ है, इस फोन में भी दिख रहा है टेम्पू खड़ा हुआ है। इसके नीचे देखो, ये दिख रहा है, एक मैप दिख रहा है आपको, जो सैटेलाइट व्यू है। हम मैप में यहाँ पे खड़े हैं, इसका जो स्ट्रीट व्यू आपको ऊपर दिख रहा है, देखो इसमें ये दिख रहा है। अब देखो, हम आपको पूरा, हम फोन फोन की स्क्रीन पे चलते हैं आपको, तो फोन की स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। हम देखो, पूरा हमने ये ले लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम आगे आगे चलेंगे, आगे आगे चलेंगे। देखो ये, देखो ये, देखो चल दिया, हम इसको इस पे क्लिक करना होगा मेरे को, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो आपको जाम दिख रहा है, ये उस समय का है जब भी ये गूगल वालों ने ये अपडेट किया होगा, स्ट्रीट व्यू लिया होगा, तब का है, ये उसी समय का है। इसमें देखो, आपको दिख भी रहा होगा नीचे कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग है और 2 ईयर्स है वो, मतलब 2 साल पहले ये लिया गया है। तो ये क्या है कि दिल्ली जैसे शहर में तो पहले ही अपडेट आ गया था। कई जगह मैंने अभी देखा है कि उसमें रिसेंट अभी अक्टूबर में, अक्टूबर दिखा रहा है, किसी में सितंबर दिखा रहा है 2024, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ नवम्बर में। देखो ऐसे ऐसे आप पूरा व्यू देख सकते हो। देखो आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये लाइव व्यू नहीं है, ये जब भी स्ट्रीट व्यू लिया गया है गूगल के द्वारा, ये उस समय का व्यू है। लेकिन इस व्यू से आप क्या है कि पूरा बाकायदा आप जान सकते हो। देखो मैं नीचे जाता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब मान लो हमें कहीं जाना है, किसी भी जगह जाना, उस एरिया के बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, वहां का एरिया कैसा है, कि वहां का रोड कैसा है, मतलब वहां के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो हम जैसे कि वहां पे जाएंगे, देखो तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल आपको बताते हो, ये आपको दिख रहा है, आप लोग ये एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे हम भरते हैं। मान लो जैसे कि मैं, हमारी जगह है, यहाँ से मैंने भर दिया ओल्ड दिल्ली, ठीक है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और लोकेशन भर देंगे हम, कहाँ से जाना, मान लो मैंने ये भर दी गुड़गांव, ठीक है, मुझे गुड़गांव से मुझे नई दिल्ली जाना है, ठीक है। मैंने ये दो, ये वाला व्यू भर दिया है मैंने, ये व्यू भर दिया है मैंने, ठीक है, ये मैंने व्यू भर दिया है। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो ये नीचे आप इसको जूम करोगे, जूम करने के बाद देखो ये दिख रहा है, ये जो बिल्कुल नीला है और हरा है, जो हरा वाला व्यू है ना, इस पे ये स्ट्रीट व्यू है, और जो नीला है वो इसका व्यू है। आप इसको यहाँ से इस पे क्लिक, कहीं भी आप क्लिक करोगे, है ना, तो नीचे देखो ये बन के आ रहा है स्ट्रीट व्यू, आप इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब आप मान लो, अब देखो नीचे वाले मैप में आप यहाँ खड़े हो, नहीं आपको ऐसे पता नहीं पड़ रहा वहाँ का एरिया कैसा। देखो आप इसमें देख पा रहे होगे ना ऊपर, देखो यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे, आप जैसे ही आगे आगे बढ़ोगे मैप में, आप देख रहे हो आगे, ऐसे आगे आगे बढ़ोगे, आप असलियत में आपको बिल्कुल वहां का पूरा नजारा दिख रहा है। देखो बाकायदा, देखो यहाँ का रोड भी सही है, ठीक है, ये भी आपको पता पड़ जाएगा वहां का रोड चौड़ा है या सकरा है या किस प्रकार का रोड है। देखो बाकायदा सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ की
लेफ्ट साइड की पूरी बिल्डिंग दिख रही। मतलब यूं कहें तो स्ट्रीट व्यू का मतलब ही यही है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जब किसी मार्केट में जाते हैं, उस मार्केट में हम आप जो खड़े हो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम इस गूगल का जो फीचर है इसमें आप लोग देख पाओगे, बशर्ते एक वर्चुअल होता है, आप खुद वहां खड़े नहीं होते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी जगह का आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट व्यू देख सकते हो। ठीक है, आप देखो अभी पूरा देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ। देखो जैसे जैसे ये आ गए, ठीक है, आप मान लो ये देखो ये है, हम किसी भी जगह का ले लेते हैं, जैसे कि ये आ गया घंटाघर चौक है ये। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, हम घंटाघर देखो चौक आ गए। ठीक है, ये हट गया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे करके अब मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्ट्रीट व्यू का, फिर देखो नीचे इस पे क्लिक करना होगा तो स्ट्रीट व्यू फिर दोबारा से आपका आ जाएगा। देखो ये देखो चल रहे हैं ना, ये देखो आप इसको ऐसे कर दो, आप देखो इसको देखो पीछे पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल भी इस तरीके से जा सकते हो, स्ट्रीट व्यू लगा दिए, स्ट्रीट व्यू लगाने के बाद देखो ये आपका मैप ऐसे दिखने लग जाएगा, किसी भी जगह आप कहीं भी हर जगह का आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। देखो नॉर्मल में ऐसी रैंडमली एक जगह पे आ गया, मान लो कोई सी भी जगह है, देखो इस पे लिख रहा है KKR एंटरप्राइजेस, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ का बिल्कुल दिख गया, देखो ये गली दिख गई ना। ऐसे आप किसी प्रकार यूं कहें तो किसी भी गली का, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी शहर का कहीं का व्यू आप बड़े आसानी से देख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें सेम ऐसे ही, देखो इसमें भी नीचे क्या होता है, मैं अभी फोन की स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा लैपटॉप पे। देखो अगर आपके पास फोन है अच्छी बात है, अगर लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, तो आपको लैपटॉप में आप बड़ी सी स्क्रीन में आप बिल्कुल देख पाओगे। देखो ये आप बहुत सारा ही नीचे का ये पूरा मैप देख पा रहे होंगे। हम किसी भी जगह रैंडम एक जगह क्लिक करते हैं, जैसे कि हम ये दिल्ली में अभी घूम रहे हैं मैप के माध्यम से, जैसे कि मैं अभी पंजाबी बाग आते हैं, ये बहुत फेमस जगह है पंजाबी बाग दिल्ली में। ठीक है, ये जूम आउट आ गया, जैसे ये इस पे क्लिक करते हैं, देखो इस रोड पे हम आ गए, तो हम इसको व्यू को मतलब मिनिमाइज कर देते हैं। देखो मैंने मिनिमाइज कर दिया, अब ये रास्ता आ गया। ठीक है, अभी देखो इसमें बिल्कुल दिल लिखा भी है, देखो बकायदा सेंट्रल मार्केट पंजाबी बाग वेस्ट और शिवजी पार्क, शिवजी पार्क इधर है और पंजाबी बाग वेस्ट इधर है और सेंट्रल पार्क आगे की तरफ है। जैसे हम अपना व्हीकल चलाते हैं सेम जो सेम टू सेम जो आपको दिखता है, बिल्कुल आपको वही ऐसा लगेगा कि हम व्हीकल से यहाँ पे जा रहे हैं। देखो इस पर क्लिक करोगे तो आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। देखो एक कोई जगह है, देखो वहां पे जितने भी बोर्ड लगे होंगे, बोर्ड का भी आपको बिल्कुल अच्छा से व्यू समझ में आएगा। देखो ये देखो मैं आप थोड़ा साइड लेके चलता हूँ, ये कोई बोर्ड लगा हुआ है, देखो इसमें बोर्ड में लिखा है एडमिशन ओपन 4/7/2023। ठीक है, क्योंकि ये अब यहाँ आप देख पा रहे हो मार्च 2022 से 22 का लिया हुआ व्यू है, तो उसी साल का जाहिर सी बात उसी साल का ही हो। ये देखो स्कूल है, कोई पब्लिक स्कूल है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप कहीं का भी अच्छे से आप व्यू देख सकते हो। देखो कोई जगह, आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आप सीख सकते हो, है ना, और स्ट्रीट व्यू अपने फोन से या लैपटॉप से या सिस्टम से कैसे भी आप स्ट्रीट व्यू के माध्यम से आप कहीं भी वर्चुअल घूम सकते हो, देख सकते हो और कहीं की भी जानकारी ले सकते हो, और अगर मान लो आप कहीं जाना चाहते हो, आपको रास्ते ऐसे कि मैंने अभी वीडियो में पहले बताया था, तो आप बिल्कुल तरीके से जान सकते हो प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नमस्कार, और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।